वॉट इज कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या है सोचें फिर मुझे बताइए राइट कॉन्फ्लिक्ट इज एनी डिसग्रीमेंट विच वी हैव विद पीपल अराउंड आस एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव इट कंपनीज का भी आपस में डिसग्रीमेंट हो सकता है मुल्कों का भी हो सकता है स्टेट्स का भी हो सकता है बट द रीजन इज उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि कोई चीज जो हमारी पसंद के अगेंस्ट हो रही है या जो हमें पसंद नहीं आ रही उसके ऊपर फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है वाई कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है इट्स बिकॉज ऑफ फियर इट्स बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आप दो दोस्त हैं आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है किस वजह से हुई है कोई चीज़ जो आपको चाहिए थी उसने नहीं दी लड़ाई हो गई कोई चीज़ जो आपको पसंद थी उसने आपसे ले ली लड़ाई हो गई लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि क्या कभी हमने किसी और से उसकी पसंद की चीज़ ले ली है कभी हमने ये नहीं सोचा कि उस बंदे को कैसा फील होगा जब हम उसकी कोई चीज ले लेंगे या उसकी मर्जी के अगेंस्ट कोई बात करेंगे बिकॉज इट इज ऑलवेज अबाउट आर पर्सनल इंटरेस्ट क्योंकि हम उस वक्त सिचुएशन में सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे होते अगर हम दूसरे के नजरिए के बारे में सोचेंगे तो हम शायद कॉन्फ्लिक्ट से बच सकेंगे लेकिन हाउ दिस इज लाइफ ऐसा होता ही है छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्स भी होते हैं बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटजीज टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट अब सिंस वी आर ह्यूमन ह्यूमन नेचर एक चीज है हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें करते हैं अपने तरीके से चीजें करते हैं लेकिन जब हम कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर रहे होते हैं ना तो ये कोई पांच कैटेगरीज हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं अवॉइडिंग नंबर वन अवॉइडिंग में हम क्या करते हैं अवॉइडिंग में हम ये करते हैं कि हम उस बात को ऊपर ही नहीं लेके आते जैसे अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो हम उस बात के बारे में डिस्कशन ही नहीं करेंगे हम उस बात को इंटायरली अलग कर देंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी तीसरे बंदे ने कहा है कि मेरी एक कीमती चीज है जो कि मेरे एक दोस्त ने उठा ली है अब मुझे ये नहीं पता कि उसके जहन में क्या चल रहा है वट इज़ द मोटिव बिहाइंड इट कि वो इससे करना क्या चाहता है बट मेरे दिल में ये बात आ गई अब मैं अवॉइड करूंगी तो मैं इस बारे में अपने दोस्त से बात ही नहीं करूंगी और दिल में सोचती रहूंगी अच्छा इसने मेरे साथ गलत कर दिया या पता नहीं इसने गलत किया या नहीं किया दूसरी स्ट्रैटेजी है अकोमोडेटिंग अकोमोडेटिंग में मैं कहूंगी चल कोई नहीं कर दिया तो खैर है अब द थिंग इज कि मैं इस चीज के पीछे नहीं जा रही कि उसने किया है या नहीं किया है असल में तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन अपनी जगह पे है बट मैंने अकोमोडेटिंग होकर उस बात को लेट गो कर दिया मैंने कहा चल खैर है जाने दूं मैं उसको फिर इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कॉम्प्रोमाइजिंग में मैं दूसरे के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे दूंगी लेकिन अपने इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी बात खत्म हो जाएगी कलेबोरेटिंग कलेबोरेटिंग में कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाता है जैसे मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगी बात करके मैं उससे आमना सामना करूंगी, फिर ये पता लगेगा उसने किया है या नहीं किया है या अगर नहीं भी पता लगेगा तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि असल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है और ऑन द अदर हैंड वो ये कोशिश करेगा या करेगी कि वो मुझे ये बताए कि मैंने ऐसा किया है या नहीं किया है सो वील कम टुगेदर एक दूसरे के इंटरेस्ट सामने रखेंगे एक दूसरे के साथ अपना इतना पुराना रिलेशनशिप सामने रखेंगे और फिर इकट्ठे एक सोल्यूशन निकालेंगे कंपीटिंग कंपीटिंग में ये है कि मैं सोचूंगी भाई मैंने सिर्फ अपना सोचना है और मैं उससे कता ताल्लुक कर दूंगी कि मैंने इस बारे में बात ही नहीं करनी मैंने अपनी तरफ से अखज़ कर लिया कि ये उसी ने किया होगा और बस बात खत्म इन सब सिनेरियो में कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे दूसरे के नजरिए को अहमियत ही नहीं दे रहे सो so, इन सब तरीकों से हम कॉन्फ्लिक्ट हैंडल तो कर लेते हैं लेकिन सम्हाव किसी ना किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता कंप्लीटली हम बात को खत्म नहीं करते बस उस वक्त के लिए उसको छोड़ देते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का तरीका नहीं है लेट्स कॉन्फ्लिक्ट हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं एक बात याद रखना बहुत अहम है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है या किसी बात पर डिसग्रीमेंट है तो उसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं या दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं या दो ऑर्गेनाइजेशन जो भी एग्जाम्पल आप ले लो सबसे पहले इस बात को मानना और समझना कि दे टू पीपल इन इट सिर्फ मेरी साइड की कहानी नहीं है देन अब जो भी सिचुएशन आ गई है उसमें आई एम अलर्ट बिकॉज मैं ना नुकसान नहीं चाहती ना अपना ना अगले का एंड काम कि मुझे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जिस वक्त मैं गुस्सा करूंगी उस वक्त मैं अगले की बात सुनना छोड़ दूंगी सो so, उसके लिए आई नीड टू बी फर्स्ट अलर्ट एंड काम उसके बाद मैं स्ट्रेस मैनेज करूँ ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हो गया अगर मेरा बहुत प्यारा दोस्त है तो मुझे उस बात का स्ट्रेस भी बहुत होगा मैं सोचूंगी प्रॉबली कि यार इसने ऐसा क्यों किया सो इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं उस वक्त स्ट्रेस मैनेज करूं देन कंट्रोल इमोशन एंड बिहेवियर अगर मैं अपना बिहेवियर और इमोशन कंट्रोल नहीं करूंगी ना तो मैं एकदम से गुस्सा हो जाऊंगी स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा आई लैश आउट ऑन द अदर पर्सन अगले पे गुस्सा निकालूंगी बात खराब होती जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा तो सॉल्व नहीं होगा देन आई पे अटेंशन टू द expressed फीलिंग अगर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं काम रहूंगी अपने अग्रेशन को काबू में रखूंगी और लोगों पे गुस्सा नहीं निकालूंगी या अपने उस दोस्त पे गुस्सा नहीं निकालूंगी सिर्फ तभी मैं इस बात पे अटेंशन दे सकूँगी कि क्या दूसरा बंदा कह रहा है या क्या वो कहना चाहता है जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि उसने मेरी कोई कीमती चीज़ ले ली ऐसा मुझे किसी ने बताया मैंने उससे इस बारे में बात नहीं की सो so, सबसे पहले तो मुझे उसे काम रह के कंट्रोल करके अपने इमोशन सबसे पहले सुनना पड़ेगी उसकी बात और उसको पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं और वो भी एक ऐसी लैंग्वेज में जिससे उसको बुरा फील ना हो देन बी अवेयर एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस जब मैं बात डिस्कस कर लूं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं उस वक्त जो उसकी और मेरी बात में डिफरेंस है उसको इंपॉर्टेंस दूं मैं जबान अच्छी इस्तेमाल करूं दूसरे को रिस्पेक्ट दूं और जब तक ये बात क्लियर ना हो तब तक मैं अगले के साथ लड़ाई ना बढ़ाऊं All these five steps, they are actually the abilities to resolve conflict. अगर आप अपनी real life में भी इस चीज को apply करें और ये देखें कि क्या अगर हम ये पांच चीजों को follow करें या हम इन पांच steps को follow करें तो क्या हम conflicts reduce नहीं कर सकते चलें खत्म नहीं होंगे तो at least कम तो हो सकते हैं सोचें क्या आपको ऐसा नहीं लगता नाउ दीज रूल्स अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स एंड कंट्रीज ये रूल्स जो हैं या ये स्टेप्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों पे या ह्यूमंस पे लागू नहीं होते ये ग्रुप्स हैं कंपनीज हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं सब में अप्लाई होते हैं इवन स्टेट्स पे भी नाउ कमिंग टू और इंटरनेशनल रिलेशन मैंने ये सारी कॉन्फ्लिक्ट की कहानी क्यों क्यों है वो इस वजह से की है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ हम रिलेशंस डिस्कस करते हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट जाहिर सी बात है जब दो इंसानों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो दो कंट्रीज में क्यों नहीं हो सकता इट्स सच अूज लेवल सिर्फ उसका स्केल बढ़ जाता है एट अ नेशन लेवल और एट अ नेशनल लेवल वो बात चली जाती है सो so, सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन होते क्या हैं study of relations of states with each other and with international organizations and other subnational groups ab international organizations ki agar aap example lein to that would be un unesco now international relations ka matlab hai ki ek mulk ke dusre mulkon ke sath या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या national level पे जो companies होती हैं जैसे कि UN uh, है यूनेस्को है या पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ किस तरह के रिलेशंस हैं मरासम किस तरह के हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम नेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट को समझदारी से रिजॉल्व नहीं करेंगे ये पांच स्टेप्स फॉलो करके रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बात बढ़ सकती है एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो इट कैन इवन लीड टू अ वॉर जो कि हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स भी सामने आए हैं विच वर रिजल्ट ऑफ नॉट हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन अ गुड वे और इन अ मेच्योर मैनर अच्छे तरीके से जब उनको हैंडल नहीं किया गया तो उसके रिजल्ट्स बहुत खतरनाक थे इंटरनेशनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इफेक्ट ट्रेड बिजनेस टूरिज्म एट्सट्रा अब एक कंट्री का दूसरे कंट्री से रिलेशन अच्छा होना क्यों ज़रूरी है बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक कंट्री के लिए उसकी इकॉनमी है उसकी मीशत है कि वो कितने पैसे कमाते हैं किस तरह अपना मुल्क चलाते हैं उसके लिए दूसरे कंट्रीज से हमारा रिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो गाइड करता है कि हमारी ट्रेड उस पुल्क के साथ कैसी होगी बिजनेस कैसा होगा टूरिज्म कैसा होगा पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री इफ वी आर नॉट एट गुड रिलेशन विद एनी अदर कंट्री वी वॉन्ट बी एबल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो टूरिस्ट हमारे कंट्री में नहीं आएंगे जब नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली एट द एंड वो हमारी इकोनमी को इफेक्ट करेगा क्योंकि वो फिर पैसे जनरेट नहीं होंगे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है इस तरह ट्रेड भी है बिजनेस भी है एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट के बाहर से क्या आ रहा है इट्स ऑल्सो अबाउट वॉट आर वी सेंडिंग देयर इज वेल तो ना सिर्फ टूरिज्म इफेक्ट होगा पर अगर उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है एंड वी डू हैव अ ट्रेड विद दैम कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तो हम कुछ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी नहीं कर सकेंगे सो दैट विल ऑल्सो बी इफेक्टेड सो दैट्स वाई हैंडलिंग इंटरनेशनल रिलेशन इन अ सेंसिबल मैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है अब हम सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करते हैं कि ओवर द पास्ट ईयर्स या हमारी हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्स किन चीज़ों पे किन इश्यूज पे हुए थे सबसे पहले हम पेलस्तीन का इशू डिस्कस करेंगे पैलेस्तिन पैलेस्तन होल्डस इंपॉर्टेंस टू अलॉट ऑफ नेशंस एंड स्पेशली टू थ्री इंपॉर्टेंट रिलीजनस विच एग्जिस्ट इन वर्ल्ड टूडे अब पेलस्टीन में जरूजलम और बैतलमक़दस ये दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स द डूम ऑफ द रॉक मस्जिद अक्सा मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री तो आप सबको पता ही होगी अब मस्जिद अक्सा -e की वजह से क्योंकि वो वहां पे है ये मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंगली हजरत ईसा को यहां पे क्रूसीफाई किया गया था ये उनका बिलीफ है सो so, इसलिए ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यूस ज्यूज के लिए ये इसलिए जरूरी और बहुत अहम है क्योंकि एक ग्रेट टेम्पल ऑफ सॉलमन वो वहां पे था अब तो वहां से सिर्फ एक वेलिंग वॉल रह गई है बिकॉज ऑब्वियसली ओवर द इयर्स इट डिटीरियोरेटेड वो खराब हो गई तो ग्रेट टेम्पल ऑफ सॉलमन की सिर्फ एक वेलिंग वॉल अब वहां पे है इन टोटैलिटी अगर इकट्ठी मैं बात करूं तो इन तीन रिलिजन्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है अब इस इंपॉर्टेंस को समझने के लिए पैलेस्टीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखते हैं अगर आप देखें तो पैलेस्टीन मेडिटेरेनियन सी के साथ इज ऑन द कॉर्नर सो ज्योग्राफिकल लोकेशन इज इंपॉर्टेंट सिंस इट वॉज द सी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द हिस्ट्री इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और ये शुरू से ही इम्पोर्टेंट रहा है सबसे पहले अगर हम देखें तो 2000 थाउजेंड ईयर्स अगो इट वॉज अ रोमन कॉलोनी रोमन कॉलोनी का मतलब है कि वहां पे मेडिटेरेनियन सी में इट वॉज स्कैटर्ड और वहां पे ज्यूज रहा करते थे देन सेवन सेंचुरी में एट दैट टाइम मुस्लिम दे व मुस्लिम ट्राइब्स विच प्रिवेलिंग सो मुस्लिम्स कॉन्र्ड दैट लैंड सो इट केम इन देंड्स ऑफ मुस्लिम ऑन एंड ऑफ फिर ये मुस्लिम एम्पायर में ही रही एक्सेप्ट ट्वेल्थ और थर्टीन सेंचुरी जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स आए थे और उन्होंने मुस्लिम से ये लैंड कॉन्कर कर ली थी पर उसके बाद फिर ये दोबारा मुस्लिम्स के हाथ में चली गई इट वॉज अगेन अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम एम्पायरटिल फिफ्टींथ सेंचुरी टू बी प्रोसाइज कि अगर एग्जैक्ट में कहूँ तो फिफ्टीन सिक्सटीन में ऑटोमन टर्क कॉन्कर दिस लैंड नोन एज पैलेस्टाइन इट रिमेन्ड अंडर ऑटोमन एम्पायर टिल नाइनटीन सेवनटीन इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आफ्टर विच द ब्रिटिश टक द पैलेस्टीन मैंने आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन इसलिए बताई थी बिकॉज उसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ आई कि वाई ऑल दीज डिफरेंट कल्चर एंड ऑल दीज डिट पीपल नेशन वर आफ्टर दिस पीस ऑफ लैंड अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर हैपन कटास्टर बहुत ज्यादा तबाही हुई होनी नहीं चाहिए थी बट अगेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे पहले डिस्कस किया रिजोल्व नहीं हो सका सही तरीके से तो इट लेड टू वॉर वर्ल्ड वॉर वन हुई अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्रिटिश ने इस पीस ऑफ लैंड को बहुत सेंसिबली हैंडल नहीं किया अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ 1915 मैकमोहन लेटर्स दिस वाज अ ब्रिटिश ऑफिशियल जिसने ये प्रॉमिस किया था कि पैलेस्टाइन को अरब इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देंगे कि इसको सिर्फ एक अरब स्टेट बना देंगे वंस दे गेट होल्ड ऑफ इट या वंस दे कॉन्कर इट कि वॉर के बाद जब ये हमारे हिस्से आ जाएगी तो हम इसको अरब स्टेट बना देंगे इससे उन्होंने क्या किया अरब्स को पैसेफाई कर दिया पैसेफाई करने का मतलब उन्होंने तसली दे दी कि ठीक है सिंस यहां पे ज़्यादा अरबी रहते हैं तो हम इसको इंडिपेंडेंट अरबी स्टेट बना देंगे फिर 1916 में अगले ही साल उन्होंने एक साइक्स पाइकॉट अग्रीमेंट ये साइन किया फ्रांस के साथ फ्रांस को उन्होंने ये कहा कि इट विल बी शेयर बिटवीन यू एन अस कि मतलब ये ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान शेयर हो जाएगी एट द एंड ऑफ द वॉर फिर उन्होंने 1917 में बालफोर फॉर पास की अब ये डेक्लोरेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसके प्रेशर की वजह से पास हुई बिकॉज वहां पे ज्यूज रहते थे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुट प्रेशर ऑन ब्रिटेन ये डिक्लेरेशन पास हो और एट द एंड ये एक ज्यूश स्टेट डिक्लेयर हो जाए अब आप देख रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश ने तीनों साइडों को पेसिफाई किया जस्ट टू विन द वॉर वैसे ये आप सोच सकते हैं कि जैसे हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी तो ये कैसी स्ट्रैटेजी है नाउ सिनेरियो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन एंडेड अब हुआ ये कि ब्रिटेन को पैलेस्टीन मिल गया और फ्रांस को सीरिया और लेबनान मिल गया तो ऊपर साइक्सपाइकआउट एग्रीमेंट में जो फ्रांस फ्रेंच के साथ उन्होंने किया था वो तो उनको तो तसली तो हो गई कि जी कुछ ना कुछ हमें बिंग इन द फॉर्म ऑफ लैंड मिल गया लैंड उस वक्त इसलिए इंपॉर्टेंट होती थी कि जितनी ज्यादा लैंड होगी जितना ज्यादा एरिया आपके पास होगा उतना ज्यादा आपके पास पावर होगी जितनी ज्यादा पावर होगी उतना इंपॉर्टेंट कंट्री होगा सो देन इन 1939 उसमें क्या हुआ दे वॉज डिसीजन पास दैट इसको अरब स्टेट बना दिया जाएगा क्योंकि पैलस्तीन में उस वक्त अरब और ज्यूज दोनों रहते थे दे डिक्लेयर कि इसको आ, अरब स्टेट बना देंगे लेकिन इट विल स्टिल हैव अ ज्यूश होम लैंड इन एट मतलब आप ऐसा समझें कि अरबियों को कह रहे हैं कि ये आपकी कंट्री हो जाएगा लेकिन इसमें ज्यूज का हिस्सा हिस्सा रहेगा उसके बाद नाइनटीन में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास की कि पैलेटीन को डिवाइड कर दो इंटू एरब एरियाज के मतलब उस लैंड को हम डिवाइड कर दें इंटू एरब एरिया जो जिन एरियाज में अरब ज्यादा रहते हैं वो एरिया अरबियों को चला जाए और जिन एरियाज uh, में जूस ज्यादा रहते हैं वो एरिया जूस को चला जाए अब सुनने में तो लगता है कि ये बहुत एक सेंसिबल डिसीजन है बट इन टोटैलिटी ये नहीं था क्यों क्योंकि पूरी पॉपुलेशन जो पैलेस्टीन की थी उसमें से सिर्फ सेवन टू एट परसेंट ज्यूज थे अब आपको समझ आ रही होगी कि अगर सिर्फ सेवन टू एट परसेंट ज्यूज हैं, तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है अब इस चीज को टेकअप करके नाइनटीन फोर्टी एट में ज्यूज ने पैलेस्टीन को लैंड ऑफ इसराइल डिक्लेयर कर दिया नाउ दिस इज हाउ पैलेस्टीन बिकेम लैंड ऑफ इसराइल इससे आगे पैलेस्टीन के साथ क्या हुआ वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो स्टे ट्यून्ड एंड कम बैक एंड वील स्टार्ट ओवर अगेन अल्लाह हाफिज